अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाजिन, आज नेशनल असेंबली में राना सनाउल्ला और शहरियार आफरीदी एक दूसरे के आमने सामने नजर आए। राना सनाउल्ला ने ड्रग केस में शहरियार आफरीदी को कुरान पाक पर कसम उठाने का चैलेंज किया, तो स्पीकर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि ये मामला अदालत में है, इस पर मजीद बहस न की जाए। शहरियार आफरीदी ने कहा कि अदालत का फैसला अदालत में होगा, राना सनाउल्ला बेगुनाह है तो ट्रायल क्यों शुरू नहीं होने दे रहे। दूसरी जानिब अगर फेडरल कैबिनेट की बात कर ली जाए, तो आज फेडरल कैबिनेट के इजलास में मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा मियां जावेद लतीफ के नाम जो है वो नैप की सिफारिश पर ईसीएल में जो है डाल दिए गए। अब नवाज शरीफ की लंदन के मकामी होटल में खाने की एक तस्वीर जो है वो दो रोज पहले सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसके मंजर आम पर आने के बाद आज हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक जो है वो सवालात उठा दिए। हमने देखा कि जो पंजाब हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से उनकी जो फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो मांग ली हैं, जिसके बाद जो कि मेडिकल बोर्ड है वो उनके लंदन में कयाम के हवाले से मजीद तौसी देने या ना देने का जो है वो फैसला सामने होता हुआ भी नजर आएगा इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर। लेकिन आज जो ये रिपोर्ट मांगी गई, हमने देखा जो प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी, उन्होंने प्रेस अपनी टॉक की, मीडिया टॉक, और सवालात उठाते हुए कहा कि अगर तबीयत इतनी ही खराब है जैसा कि बताया जा रहा है, तो क्या नवाज शरीफ का घूमना फिरना और होटलों में जाकर खाना खाना इनके इलाज का ही, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट का ही कोई हिस्सा है? और फिर मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद की तीमारदारी के लिए अगर जाना चाहती हैं, तो क्या वो होटल या रेस्टोरेंट्स में उनकी तीमारदारी के लिए जाएंगी? हम इन्हीं तमाम पहलुओं पर जो है आज अपने शो में डिबेट करेंगे। मरियम औरंगजेब की जानिब से भी जवाब दिया गया पंजाब हेल्थ मिनिस्टर की इस प्रेसर का, वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ साथ अगर देखा जाए तो हुकूमत के लिए खतरात में इजाफा होता नजर आ रहा है, एक के बाद एक उनका जो इत्तेहादी जमात है उनकी, वो हुकूमत से गिले शिकवे लेकर जो है सामने आती नजर आ रही है। एमक्यूएम के बाद हम देखते हैं कि जो जीडीए है, बीएनपी है और मुस्लिम लीग काफ है, अब वो भी इसी तनख्वाह पर काम करने से लगता कुछ यूं है कि वो इनकार करते नजर आ रहे हैं। सिंध के सियासी इत्तेहाद जीडीए ने भी अपने मुतालबात पूरा ना होने का शिकवा कर दिया है हुकूमत से, जिसके बाद हमने देखा कि गवर्नर सिंध जो इमरान इस्माइल हैं वो उन्हें भी मनाने पहुंचे, लेकिन इस मुलाकात का भी कोई खातिरख्वाह नतीजा सामने नहीं आ सका। जैसा कि हमने देखा था प्रीवियसली, असद उमर साहब जो हैं वो भी, जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको भी बीएनपी और मुस्लिम लीग काफ को मनाने का टास्क दिया गया है। असद उमर साहब का जो एमक्यूएम से मीटिंग थी वो कोई फ्रूटफुल साबित नहीं हुई है। और साथ साथ हमने देखा कि आज कैबिनेट सेशन से एमक्यूएम के जो अलावा जो मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा थे वो भी एबसेंट नजर आए। तो अब क्या ये जो हालिया नाराजगियां हैं वो किसी तब्दीली की तरफ इशारा कर रही हैं? क्या पीएमएलक्यू ने भी वही नैरेटिव अपना लिया है कि कैबिनेट में नहीं बैठेंगे बट हुकूमत को सपोर्ट करेंगे? और क्या इत्तेहादी जमातों की डिमांड में इजाफा हो गया है? क्योंकि देखा जाए तो जहां ऑपोजिशन ने हुकूमत से गैर एलानिया रिलीफ हासिल किया है, तो वहीं जो अलायंस है, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनको शिकवा है कि उन्हें हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने के बावजूद भी वो सब नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें तवक्को थी। तो अब क्या हुकूमत इन नाराजगियों को दूर करते हुए इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़े रखेगी, या ऑपोजिशन इस सारी सूरत हाल में सबसे बेनिफिशरी जो है साबित होगी? वी विल डिस्कस ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन आवर शो, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे डिस्कशन, आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चले। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा हैं जनाब खालिद महमूद रसूल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। और हमें टेलीफोन बीबर पर ज्वाइन कर रही हैं जनाब गजाला सैफी साहिबा, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आपने अभी हमारा रन डाउन सुना, और जो बड़ी जिस वक्त कहा जा रहा है कि जो सियासी टेम्परेचर्स हैं वो बड़े हाई नजर आ रहे हैं, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड हम आपको आज जो नेशनल असेंबली में गर्मा गर्मी नजर आई ऑपोजिशन और हुकूमत के मेंबर्स के दरमियान, हम पहले आपको सुनवा दें कि क्या कहा गया राना सनाउल्ला साहब के मसले पर। एक दूसरे से उलझते भी नजर आए हमें शहरियार आफरीदी और राना सनाउल्ला, तो लेट्स वॉच दैट फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन हियर। साहब, कुरान मजीद हाथ में पकड़ना, उसको पढ़ना, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। मेरे बारे में यह मशहूर हुआ
कि ये कसम खा रहा है, अगर मेरी एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी जगह पे मैंने कसम खाई हो जो चोर की सजा हो मेरी सजा, मेरा अल्लाह जो है वो तुम्हारे और मेरे दरमियान इंसाफ कर देगा इंशाल्लाह ताला। मेरा अल्लाह तेरे तुम्हारे और मेरे दरमियान इंसाफ कर देगा, और ये इंसाफ जो कुरान पाक भी यहाँ यहाँ पे मंगवाया जा सकता है या मंगवा लें, कुरान पाक मंगवा लें। और एक मिनट, एक मिनट, पाक अल्लाह की किताब को जी, एक अल्लाह की किताब को ऑर्डर इन द हाउस, हाजर नाजर जान के आप अल्लाह की किताब को गवाह ठहरा के अल्लाह के नामों को हाजर नाजर जान के शहर यार अफरीदी ये कहे कि अल्लाह को हाजर नाजर जान के मैं ये बात कहता हूँ, और अगर मैं ये गलत कहूँ तो अल्लाह का कहर और गजब मेरे ऊपर नाजल हो। जी, जैसा कि आपने देखा कि ये राणा सनाउल्लाह साहब की रिहाई के बाद पहली बार था कि नेशनल असेंबली में शहरयार आफरीदी और राणा सनाउल्लाह आमने सामने नजर आए थे, जिसके बाद दोनों की जानिब से जो बयानात का सिलसिला है वो शुरू हुआ और अभी हमने जो गुफ्तगू हुई वो आपको सुनवाई। अगर आप हमें इजाजत दें तो राणा अरशद साहब अपोजिशन से शुरू कर लेते हैं, फिर हम हुकूमत का भी स्टेटमेंट लेंगे। राणा अरशद साहब, शहरयार आफरीदी साहब कहते हैं, जैसा कि हमने भी आपको सुनवाया, अभी वो कहते हैं कि अगर राणा सनाउल्लाह बेकसूर है तो वो ट्रायल क्यों नहीं शुरू होने दे रहे। वो कह रहे हैं कि मैं सवाल पूछता हूं कि वो मुकदमे के ट्रायल से क्यों भाग रहे हैं, अदालत का फैसला अदालत में होगा, पार्लियामेंट में नहीं होगा। तो सवाल तो ये बनता है कि आखिर पार्लियामेंट को अदालत क्यों बनाया जा रहा है, जो फैसले अदालत में होने हैं वो वहां पर जाकर प्रोसिक्यूट होने चाहिए, पार्लियामेंट का टाइम क्यों जाया हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं आपका मशकूर हूं, आपके चैनल का मशकूर हूं, और आपका वीएन आप बड़ी फेम फरासत रखते हैं, और मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज़ करूंगा कि ये जो शख्स बोल रहे थे गालबन, जिन्होंने दाढ़ी सुनते रसूल रखी हुई है, ये जब 1 जुलाई को राणा सनाउल्लाह खान साहब पकड़े गए तो ये 4 जुलाई को इसने पाकिस्तान की आवाम से ऑन मीडिया खिताब किया और ये फरमा रहे थे कि हमने पकड़ लिया, हम पूरे सबूत कोर्ट में पेश करेंगे और वीडियो भी पेश करेंगे। ये हमने नहीं कहा, ये शख्स कह रहा है जो अल्लाह रसूल का नाम लेता है। हम सब मुसलमान हैं, हम सब कलमा गो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, लेकिन गुजारे ये है, हमने तो नहीं इनको शहरयार अफरीदी साहब को कहा था कि आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, आप मदई बने, आप आकर कहें कि 1 माह से हम रैकी कर रहे थे, 3 दफा पकड़ने लगे थे, इनके साथ फैमिली थी। मैं अर्ज करूंगा जो गुनाहना जुर्म, इतना बड़े जुर्म में राणा सनाउल्लाह खान साहब हो, मैं हूं, या इमरान खान साहब हो, या कोई और हो, जो जुर्म करता हो या कर रहा हो उसको पकड़ा जाना चाहिए था। ये हमें दर्श देते हैं कि फैमिली मेंबर थे। यार क्या बात करते हैं, मियां नवाजी साहब जेल में उनकी बेटी मुलाकात करने के लिए मरियम जाती है तो बाप के सामने बेटी को पकड़ा जाता है। चार माह इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा राणा अरशद साहब, इफ यू कैन हियर मी। मेरा ये दूसरा सवाल भी है कि क्या राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो ट्रायल में डिले कर रहे हैं, क्या ये डिले जानबूझ के किया जा रहा है, फिर इस ट्रायल को क्यों नहीं शुरू किया जा रहा। जी मैं अर्ज करता हूं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि यकम को पकड़ा, राणा सनाउल्लाह को कोई तफ्तीशी अफसर, कोई किसी अफसर ने उनसे गुफ्तगू भी नहीं की, सुबह कोर्ट में पेश किया और रिमांड डिमांड नहीं की गई। आप ये देखें कि 20 किलो हिरन डाली गई, कहां से आई, कहां जा रही थी, कौन सा माफिया था, किसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, और मैं समझता हूं कि डिमांड रिमांड की नहीं की गई, फिर तफ्तीशी अफसर की गुफ्तगू नहीं होती। फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं, 4 माह कोर्ट में परमानेंट जज की तैनाती नहीं इन्होंने करने दी, जो ट्रायल कोर्ट के जज थे, ये वैलिड जो आरजी जज थे, वो कहते थे कि मैं ट्रायल नहीं कर सकता। खुद शहरयार अफरीदी ने कहा कि हम 4 जजों को तैनात करने लगे थे, वो हुए नहीं। फरोग नसीम साहब ने कहा कि हम प्रोसेस कर रहे थे और वो लेट हुआ, ये हुकूमत की तरफ से डिले हुआ। अरशद साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया है,
خالد محمود رسول صاحب، اب یہ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا اور ہم نے آپ کو سنوایا ابھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن میں تفتیش کا عمل پہلے ہوتا ہے، ٹرائل بعد میں ہوتا ہے، مجھ پر جو الزام لگایا گیا اس کی تفتیش ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو اور دونوں رہنما ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اپنے اپنے موقف پر قائم نظر آتے ہیں۔ اس میں جو یہ تمام سینیریو ہمارے سامنے ہیں، ایک تو پارلیمنٹ میں عدالتوں کے کیسز پرسو کیے جا رہے ہیں، عدالتوں میں پارلیمنٹ کے کام جو ہیں وہ پہنچا دیے جاتے ہیں، پھر مذہب کا استعمال پارلیمنٹ کے میٹرز میں، اس تمام سچویشن کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ یہ کیا مس پلیسڈ ہے تمام میٹرز جو کہ جن پلیٹ فارمز پہ ہونے چاہیے، کیا یہ تمام جو ہے یہ مس پلیس چل رہا ہے معاملہ؟ کہ جی، اس چیز کو میں تین اینگل سے دیکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح کا سیاسی ماحول پچھلے سوا سال سے چل رہا ہے، اس میں بہت سارے جو نیب کے کیسز ہیں اور اس پہ خاص طور پہ یہ جو کیس اے این ایف کی طرف سے بنایا گیا، اس میں ایک اس کا سیاسی رنگ اور سیاسی پہلو بہت نمایاں ہو کے آیا۔ اچھا، اب یہ کہ جب اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا، اتنا بڑا کلیم کیا گیا، تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ بھائی اس کے کم از کم ایک واضح طور پہ ثبوت جو ہے نا وہ عدالتوں میں بھی آئیں گے، اور صرف الزام لگا کے اور اتنا بڑا الزام لگا کے۔ اے این ایف کا میں آپ کو بتلا دوں کہ جو 9C ہے اس میں ایک سرٹن کیٹیگری ہے کہ اگر اس سے زیادہ کوئی برامدگی ہوتی ہے تو اس بندے کو ضمانت نہیں ملتی ہے، اس کی سزائے موت ہے، مطلب اس حد تک سخت۔ اب اس میں یہ کہ جب آپ اتنا بڑا اقدام اٹھا رہے ہیں اور وہ آپ کی ایک مخالف پارٹی کا ایک سربراہ بھی ہے، سٹنگ ایم این اے بھی ہے، تو آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں تو اس کو کورٹ میں فوری لانا چاہیے تاکہ اس کیس کے اوپر جو ایک سیاسی رنگ ہے وہ اتر سکے۔ بٹ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ وہ سیاسی رنگ نہیں آیا۔ پھر دوسرے یہ کہ حکومت کی طرف سے بھی جو مختلف وقت میں اس کے موقف آتا رہا، اس میں انکنسسٹنسی نے معاملات کے شکوک و شبہات کو اور بڑھکا دیا۔ تیسرے نمبر پہ آج یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس میں فرسٹریشن جو ہے نا وہ رانا ثناء اللہ کی بھی نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو خفت ہے وہ شہزاد اپنا آفریدی صاحب کی بھی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ معاملات وہ کورٹ میں تفتیش ہو جاتی اور معاملات آگے چلتے تو اس کی نوبت نہ آتی۔ رہ گیا ان کا یہ الزام شہزاد آفریدی کا کہ جی وہ کیس چلنے نہیں دے رہے۔ دیکھیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کورٹ کو فنکشنل کریں۔ جب تک کورٹ میں مستقل ایک جج نہیں ہوئے گا، اس کے ساتھ یہ کہ تفتیش کار جو ہے وہ اپنی تفتیش سر انجام کر کے اپنا ایک فائنل حتمی چالان کورٹ کو دیں گے، اس کے جب چارجز فریم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ قانون ایک بیسکس ہے، ساروں کو پتا ہے۔ اب شہریار آفریدی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کھڑے ہو کے کہ یہ ٹرائل کو چلنے نہیں دے رہے، بھائی کورٹس میں جو ہے وہ دونوں فریق اپنے اپنے انداز میں مقابلے کو تو پوچھ لیتے ہیں، حکومت کا پرسپیکٹو لیتے ہیں اس تمام معاملے کو لے کر، اس میں ہے کہ یہ کیس چلے۔ ٹھیک، یہاں پر غزالہ سیفی صاحبہ، آپ نے یہ تمام آج کے پورے دن کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اپوزیشن کا پرسپیکٹو بھی آپ کے سامنے۔ اب یہ رانا ثناء اللہ کا جو کہنا ہے کہ پروسیکیوشن میں تفتیش کا عمل پہلے ہوتا ہے، ٹرائل بعد میں ہوتا ہے، جو الزام ان پر لگائے گئے ہیں اس کی تفتیش ہی وہ کہہ رہے نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے کہ جتنا عرصہ میں رہا ہوں انڈر اریسٹ کوئی بھی انویسٹیگیٹو آفیسر جو ہے وہ مجھ سے بات کرنے یا کچھ پوچھنے آیا ہی نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس کیس کو کس طرح سے لاجیکل کنکلوژن تک آپ لوگ لے کر جائیں گے، اور پھر ٹرائل میں ڈیلے کر کون رہا ہے؟ کیا اے این ایف کر رہی ہے، کیا حکومت کر رہی ہے، کیا رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ ٹرائل تو ہونا ہی چاہیے جب کوئی ایکیوز ہوتا ہے کسی بھی چیز سے، اور جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ایکیوز ہیں ڈرگ پیڈلنگ یا واٹ ایور، اس پہ جو بھی ان کے اوپر الزامات ہیں، تو وہ تو ایک بڑی ایک بڑا کیس ہے، اور اس پہ کیس کی پروسیڈنگ تو ہونی ہی چاہیے اور وہ ہوں گی۔ اس کو نہ رانا ثناء اللہ روک سکتے ہیں نہ حکومت روک سکتی ہے، کیونکہ جب کیس فریم ہوتا کسی کے خلاف رجسٹر ہوتا ہے تو پھر اس کو اس پروسیجر سے تو گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ اس میں سے بری ہوں یا چاہے اس میں وہ جو ملزم ہے وہ سزا پائے۔ یہ اس معاملے کو آپ کورٹ سے اٹھا کر پارلیمنٹ میں نہیں لا سکتے، اور وکالتی انداز میں کھڑے ہو کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اوپر لکھے 99 ناموں کی قسم کھاتے، مطلب ایک چیز کو آپ دین کو مذاق نہ بنائیں، کیونکہ دین جو ہے اس کو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور رسول کے نام لیوا ہیں، اور قرآن اور حدیث پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں۔ جو ہمیں طریقہ کار ہماری دین سے ملا ہے، اور جو ہم یہ ملک جو ہے ایک اسلامی کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ چل رہا ہے، تو دیکھیے مذاق نہیں بنانا چاہیے، نہ پارلیمنٹ
یہ تو اس وقت انہوں نے پارلیمنٹ کا بھی رانا ثناء اللہ نے مذاق اڑا دیا اور انہوں نے اپنا اس وقت اس سے بھی اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر جو غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے وہ دونوں جانب سے ہی کہا جا سکتا ہے, حکومت اور اپوزیشن کے. جو پارلیمنٹ کا ٹائم ہے اس میں جو پبلک ایشوز ہے, جو پبلک انٹرسٹ کے لیجسلیشن کے لیے آپ لوگوں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہوتی ہوئی بالکل نظر نہیں آئی. آج کا پورا دن جو ویسٹ ہوا وہ صرف اور صرف الزام در الزام ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئے, اور پھر یہ تمام معاملات پارلیمنٹ سے باہر جا کر میڈیا ٹاک میں بھی سیٹل کیے جا سکتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کے وقت کو یہاں پر رانا ارشد صاحب آپ کی جانب ہم آئیں گے, یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو جب ٹائم دیا جاتا ہے, آپ لوگوں کو جب آنے دیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں, تو پھر آپ آ کر اپنے کیسز ہی پروسیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. پبلک انٹرسٹ میں یا پبلک ایشوز پر جو لیجسلیشن کے معاملات ڈیلے پڑے ہوئے ہیں ڈیلے میں, اس پر کسی قسم کی آپ لوگ پھر آ کر بحث نہیں کرتے. تو کیا واقعی میں اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کو آگے چلنے نہیں دے رہی, یا حکومت بھی اکولی ریسپانسبل ٹھہرائی جائے گی؟ نیلم نواب صاحب, آج کی مثال بالکل سامنے ہے, پورا ٹائم ویسٹ ہوا ہے. نیلم نواب صاحب, آپ خود اسلام آباد میں ہیں, جب پرائم منسٹر عمران احمد خان نیائی صاحب نے خود کہا تھا کہ میں ہر وینسڈے کو آ کر ممبران قومی اسمبلی کے سوالوں کے جواب دیں گے, وہ ہم نے نہیں کہا تھا. پھر خان صاحب امریکہ گئے, سادن گزار کیا, پارلیمنٹ میں نہیں آئے, اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 6 ماہ میں کتنی دفعہ تشریف لائے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے پارلیمنٹ میں آنے کا. پھر جب رانا ثناء اللہ گرفتار تھا, بھائی رانا ثناء اللہ نے تو پروٹیکشن آرڈر بھی نہیں مانگے, ابھی کیس ٹرائل ہونا ہے, وہ ایک ایم این اے کے حلقے کے نمائندے ہیں, 5 لاکھ عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے, اور اس عوام کے حلقے کے جو ایشوز ہیں ان کو بالکل میں سمجھتا ہوں دفر کرنے کی ایک سازش ہے. پھر میں عرض کروں گا کہ یہ شہریار افریدی صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہیں کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے؟ نہیں, سب نے جان اللہ کو دینی ہے, اور محکمہ اس کی انٹروگیشن کرتا. کیا ضرورت تھی حکومتی وزیر اور شہریار نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی وہ ویڈیو دکھائی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب اور شہریار افریدی صاحب, آپ بھی کیبنٹ اجلاس میں آدھا ٹائم رانا ثناء اللہ اور آدھا ٹائم میاں نواز شریف پہ گزرتا ہے. ملک میں عوام رو رو کے مر گئے, بجلی مہنگی, تیل مہنگا, آٹا مہنگا, گیس نہیں مل رہی, لیکن یہ نکل ہی نہیں رہے. ایشو یہ ہے کہ غیر سنجیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں شہریار افریدی صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کر کیس ڈسکس کریں, نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب جب 4 ماہ اسپیشل کورٹ اے این ایف کا جج نہیں ہوگا, وہ فروغ نسیم نے کہا, انہوں نے کہا انہوں نے لگانا تھا, ہم نے نہیں لگانا تھا. جب پھر ایک جج جو فیصلہ کرنے لگا تو پروسیکیوشن ٹیم نے ٹائم 1 گھنٹے کا مانگا اور جج کو واٹس اپ کر دیا کہ آپ کیس نہیں سن سکتے. میں سمجھتا ہوں عدالت کے اندر آ کر جج صاحب نے یہی کہا کہ مجھے واٹس اپ آ گیا, میڈیا موجود تھا, تو پھر یہ کیس سیاسی نہیں تو اور ہے کیا؟ جلد از جلد ان کیسز کو پروسیکیوٹ کیا جائے اور انجام تک پہنچایا جائے, تاکہ یہ جو بحث ہے میڈیا ٹائم بھی کنزیوم ہوتا ہے اس میں, پارلیمنٹ ٹائم بھی کنزیوم ہوتا ہے جو کہ پبلک انٹرسٹ کے ایشوز کے لیے ہونا چاہیے. بہرحال موونگ آن, خالد محمود رسول صاحب, ایک اور جو معاملہ آج سامنے آتا ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہیلتھ کو لے کر ہے, اور اب حکومت نے سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو ہیلتھ منسٹر پنجاب ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, وہ میڈیا ٹاک آج کرتی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو رپورٹ بھیجی گئی ان میں کسی نئے ٹیسٹ کا کوئی ذکر ہی سامنے نہیں آیا ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا نواز شریف کا گھومنا پھرنا ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کا ہی حصہ ہے, اور 6 ہفتے میں نواز شریف کا علاج کیوں نہیں اب تک کروایا گیا؟ ہم آپ کو ایگزیکٹ سنوا دیتے ہیں کہ what did she say today in her media talk, let's watch that first. کل ہم نے ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بیٹھے چائے وائے پی رہے ہیں, تو میں نے پھر فون کیا ان کے مالج کو, وہ جو ڈاکٹر عدنان ہے, 3:30 بجے کل ان کو میں نے فون کیا. میں نے کہا بھائی ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہی از ان اے ویری کرٹیکل کنڈیشن, ان کی سچویشن بہت خراب ہے, حالات ان کے بہت خراب ہوئے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی انٹرونشن ہونی ہے, یہاں لکھ کے بھیجا ہوا ہے ان کو سٹروک جو ہے اس کے چانسز بھی بہت بڑھ گئے ہیں ان کے, یہ سارا کچھ لکھ کے بھیجوایا ہے. تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ
इज इट अ पार्ट ऑफ इट के जी आप सैर सपाटा भी हो रहा है और आप मतलब बेसिकली सोशलाइज भी कर रहे हैं, इज इट अ पार्ट ऑफ दैट होल थिंग? क्या है ये, इज इट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट और वट एवर? भाई एक तरफ आप बता रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हैं कि आप चाह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन उनकी बेटी के लिए भी हो कि उन्होंने अब्बा की तीमारदारी करने जाना, भाई अब्बा की कहाँ तीमारदारी? जी खालिद महमूद रसूल साहब, अभी आपने सुना, वो ये भी कह रही हैं कि क्या मरियम नवाज जो हैं वो रेस्टोरेंट में नवाज शरीफ साहब की तीमारदारी करने जाएंगी। तो ये जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, वो जो पिक्चर वायरल होती है सोशल मीडिया पर दो दिन पहले, जिसमें कि नवाज शरीफ साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, इसहाक डार साहब भी हैं, वो एक रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना खा रहे हैं और ये तीनों अफराद जो हैं ये मेडिकल ग्राउंड्स पर इलाज करवाने गए हुए हैं वहाँ पर लंदन। तो ऑब्वियसली सवाल तो उठाए जाएंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस मुतालबे को जो कि किया गया है? इसलिए हमारे यहाँ पिछले दो साल के लगभग से जो माहौल बना हुआ है वो सियासी एतबार से एक दूसरे की जो नीचा दिखाना, पिछाड़ना, इल्ज़ामात और ये सारा सिलसिला जो है ना, उसने दरअसल मामलात को बहुत गुंजला सा दिया है। अब नवाज़ शरीफ साहब जब लाहौर में थे और जो रेगुलर रिपोर्ट्स आ रही थी, हुकूमत ने मुख्तलिफ बोर्ड भी बनाए, तो उनसे ये लग रहा था कि ही इज़ सीरियसली इल और किसी बड़े हादसे का इम्कान है, तो लिहाजा उससे बेहतर ये है कि जो बेस्ट पॉसिबल उनको मेडिकल केयर चाहिए, मुल्क के अंदर नहीं तो चलो मुल्क के बाहर है, वो दे दी जाए। और मैं समझता हूँ कि उसमें हुकूमत ने बड़ा एक ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर और कोर्ट्स ने भी एक अच्छा लीनियंट व्यू लेके, हालांकि उस पर काफ़ी तनकीद हुई कि एक आम आदमी को तो इस तरह का रिलीफ नहीं मिलता है, तो लिहाजा इतने बड़े आदमी को अगर रिलीफ दिया गया तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ कि अदालतों ने भी एक लीनियंट व्यू लिया और हुकूमत ने भी एक ह्यूमन व्यू लेके, हालांकि क्रिटिसाइज भी हुआ, उनको एक पैसेज दिया और वो बाहर गए। अब हम ये जो हमने देखने में चीज़ें आई या मीडिया रिपोर्ट्स की हद तक कि वो जितना शदीद बीमारी और जिस तरह का वो अंदाज़ा था या अंदेशे जाहिर किए गए थे, बाहर जाके उन्होंने जो भी टेस्ट वगैरह कराए और वो जो जितना भी है उसमें बज़ाहिर वो इनकन्सिस्टेंसी नज़र आई कि जो बयानात और जो सिचुएशन यहाँ बताई जा रही थी और वहाँ जिस तरह की उनकी मूवमेंट और वो सारी जो मीडिया भी बाद में कवरेज हुई, उसने बहुत ज़्यादा शकूक व शुभात जो है ना उसको जन्म दिया। अब उसके बाद ये है कि पहले भी क्योंकि इसके ऊपर ज़रा सियासी सवाल थे, अब ये है कि वो हुकूमत अदालत से एक टाइम दे के गए हैं, उसके बाद एक सर्टेन टाइम जो है ना वो लिया है, अब हुकूमत ने पंजाब को एक नेचुरली रिपोर्ट जमा कराना है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे जो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ उनके जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, उनका जिस अंदाज का ये सारे का सारा जो कंडक्ट है लंदन में और जो मूवमेंट्स वगैरह हैं, उसके बाद से ये है कि जो सियासी मामला तय पाए, जैसे वो आदमी एक्ट का जो एक्सटेंशन का मामला था, फिर नैब का था, अच्छा फिर ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का मामला, तो उसमें बिहाइंड द सीन जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं और फिर रिलीफ की बातें, उससे फ्रेंकली स्पीकिंग उनकी बीमारी के बारे में जो लोग बहुत ज़्यादा तशवीशनाक भी थे, इस कंडक्ट के बाद वो भी इस मुतजाद रवैये के ऊपर ज़रा थोड़ा सा खामोश हो गए हैं। सो मेरे अनफॉर्चुनेटली वैसे भी ज़रा मतलब मामला भी ज़रा तकलीफ दे साबित हुआ। ऑलराइट गजाला सैफी साहिबा, ये अब हमने देखा कि जो महकमा दाखला पंजाब है उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो मांग ली हैं और जिसके बाद जो मेडिकल बोर्ड है वो कह रहे हैं कि जायजा लेगा और उनके लंदन में जो स्टे है उसको अगर मजीद एक्सटेंशन देनी है या नहीं, इस जायजे के बाद वो फैसला होगा। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर हुकूमत उन्हें वापस बुलाना चाहे तो क्या तरीक़ाकार आप अपनाएंगे? देखिए फिलहाल तो जो बात हुई है वो इलाज के लिए गए हैं, पूरी दुनिया पूरी कौम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है कि जी बीमार हैं शिद्दत से ज्यादा, उन डॉक्टर्स का भी ट्रायल होना चाहिए जिन्होंने झूठी खबरें पहुंचाई और गलत रिपोर्टिंग की, बिकॉज ये इतना एक नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर्स का और उसके बावजूद उन्होंने इस किस्म की गलत रिपोर्टिंग की कि एक आदमी आराम से लंदन में घूम रहा है, फिर रहा है, मीटिंग्स कर रहा है, खाने खा रहा है और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा। तो अब ये रोज एक नया फ्रॉड करते हैं, नई कोई गलती करते हैं, खुल के बदतमीजी करते हैं, खुल के लॉज को तोड़ते हैं। तो फिर क्या पंजाब मेडिकल बोर्ड कह लें गजाला सैफी साहिबा, क्या पंजाब हुकूमत या फिर हुकूमत जो है वो इनके फ्रॉड का शिकार हो गई, आप लोग जो है इनके फ्रॉड का शिकार हो गए? आप कह रही है कि फ्रॉड करते हैं, बीमार है, अगर ये इतने जितने इन्होंने कहा था बीमार हैं और वो रिपोर्ट भेजे ना वहाँ पे, तो कोई उस किस्म की बेईमानी नहीं हो सकती। भेजें ब्लड की रिपोर्ट, भेजें जो रिपोर्ट मांगी गई है। तो जो अगर आप कॉन्विक्ट हैं, आपके ऊपर इल्जाम लग के आप मुजरिम साबित हो चुके हैं,
मुल्जिम नहीं रहे, अब आप मुजरिम हैं। मुजरिम होने के बाद आपने ये कहा कि जी मैं इतना बीमार हूँ कि मेरा इलाज तो यहाँ मुमकिन ही नहीं और मैं शायद जेल में मर जाऊंगा। मरियम नवाज ने भी शोर मचा दिया, तमाम पार्टी के लीडरशिप ने शोर मचाया, पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि जी नवाज शरीफ साहब शायद अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। और उसके बाद वो लंदन चले जाते हैं और लंदन जाके उनकी काया पलट गई, वो पहुंचते ही लंदन का पानी पीते ही ठीक हो गए, बल्कि हवाई जहाज में ही ठीक हो गए। तो अगर वो वाकई बीमार हैं और नजर नहीं आ रहे तो अपनी ब्लड की या जो भी उनकी जरूरत है रिपोर्ट, आई मीन रोजाना एक नया ढकोसलेबाजी, नया ड्रामा, ये कब तक चलेगा? ये कब तक लोग जो हैं बेचारे रोज शाम को right, लेकिन गजाला सैफी साहिबा, आज एक और जो डेवलपमेंट सामने आती है, हमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कहती हुई नजर आईं कि मरियम नवाज जो है वो क्या जाकर रेस्टोरेंट में उनकी तीमारदारी करेंगी, जबकि आज जो फेडरल कैबिनेट है उसने मरियम नवाज का नाम जो है वो ECL में डालने की मंजूरी भी दे दी है। तो इससे तो जाहिर हो रहा है कि हुकूमत जो है वो 100% किसी सूरत मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत नहीं देगी, जबकि उनका नाम, मरियम नवाज का नाम पहले भी एक केस में जो है ECL में शामिल है। पूरा खानदान वहां जाके बैठ चुका है, दोनों बेटे, बाप। जी नीलम साहिबा प्लीज मुझे जरा टाइम दें, जी मेहरबानी फरमाएं। नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा जी। राणा साहब आपकी जानिब आएंगे, हम पर्सपेक्टिव ले लें, फिर हम आपका पर्सपेक्टिव भी लेंगे। अपने लीडर्स की आप खुतबा फरमा रही हैं, खुतबा दे रही हैं आप, जिस तरह से आप गुमराह कर रहे हैं कौम को, जो नैरेटिव आप बिल्ड करते हैं वो सारा आप कर रहे हैं, झूठ है। अगर आप समझते हैं कि नवाज शरीफ बीमार हैं और इस शिद्दत के बीमार हैं तो लाइए रिपोर्ट्स प्रेजेंट कीजिए जो मांग रहे हैं। उसमें इतना वावेला मचाने की और नई नई तौजीहात पेश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। ऑलराइट, हम नून लीग का मौकफ ले लेंगे यहाँ पर। राणा अरशद साहब, अब ये बड़ा एक डेफिनेट जो है बात है कि जब से नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट की किसी किस्म की कोई खबरें सामने नहीं आ रही हैं। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब इतने ही बीमार हैं तो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू क्यों नहीं हो रही? और फिर मुस्लिम लीग नून की जो मरियम औरंगजेब है उनका कहना है कि यास्मीन राशिद ने वजीर आजम इमरान खान के दबाव पर यह झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यास्मीन राशिद को इल्म है कि उनका आज भी जो PET स्कैन है वो भी आज हुआ है। और अब यहाँ सवाल फिर ये उठ रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार है तो क्या हुकूमत एक बार फिर जो है वो किसी किस्म का पॉलिटिकल एंगल ला रही है? और अगर नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है तो क्या वाकई में जो इलाज का बहाना किया गया था, जिनके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आपको इजाजत दी गई थी इलाज करवाने की, तो वो फिर सब क्या फ्रॉड था? मैं सिर्फ इंतहाई अदब से यह अर्ज करूंगा कि फ्रॉड का लफ्ज कहने वालों को जरा थोड़ा सा सोचना चाहिए कि फ्रॉड तो हमसे किया इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने कि मियां नवाजी साहब को जिस तरह तिबी बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मरकज प्राइम मिनिस्टर को के नुमाइंदे को बुलाया, चीफ मिनिस्टर और चीफ चेयरमैन नैब को, कि आप इस मरीज का इलाज कर सकते हैं तो मैं इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करता हूं। इन्होंने वहां जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। फिर वो जो आपने बात की यास्मीन राशिद साहिबा, वो खुद जाती थी और मीडिया पे कहती थी कि मियां नवाजी साहब बीमार है, मैंने खुद देखा है। फिर इमरान नियाजी साहब के मुलाजम हैं शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर गालबर फैसल खान, उन्होंने रिविजिट किया। तमाम बोर्ड के जो मेंबर है डॉक्टर ताहर शमसी को कराची से नियाजी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बुलाया, हमने नहीं बुलाया। तमाम रिपोर्ट्स आने के बाद वो रिपोर्ट्स हमने इनसे भीख नहीं मांगी, वो कोर्ट में गई और कोर्ट के ऑनरेबल जज ने फैसला किया है। अब गुजारिश ये है कि इमरान नियाजी साहब ये परेशान हैं कि मियां नवाजी साहब के जब 6000 प्लेटलेट काउंट थे तो वो गाड़ी से सरसद हॉस्पिटल में गाड़ी से खुद उतरे, वो देख के परेशान थे। फिर वो परेशान हुए कि जब PIC में सॉरी सरसद हॉस्पिटल में दाखिल थे तो उनके दांतों का कोई ऑपरेट करना था तो वो खुद चल के गए थे। फिर जब वो जहाज पर बैठे फिर वो कह रहे मैंने रिपोर्ट्स को देखा, ऐसे देखा वैसे देखा। गुजारिश ये है कि एक मरीज को खाने पीने पर पाबंदी है, क्या इन्होंने लिखा था कि वो हवा खा के जिंदा रहेगा? क्या इन्होंने लिखा, इनको नजर नहीं आता कि जब मियां नवाज साहब डेली जाते हैं हॉस्टल का विजिट करते हैं, इनको नजर नहीं आता? ये खुद फ्रॉड जेल रखने वाले हैं और ये हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। याद करनी पड़ती है
इस तरह से जो फूड आउट देयर है वो तो फिर बड़ा कंटेजियस भी हो सकता है, कंटेमिनेटेड भी हो सकता है। ये कैसे कह सकते हैं? देखना, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर उनको प्रपोज करते हैं कि आपने लाइट गजा ये खानी है, चाय पी लेना या सूप पी लेना, अगर पाबंदी थी तो मुझे बता दें। हमने वो तमाम डॉक्टर डेविड की रिपोर्ट जमा करवाई है होम डिपार्टमेंट को, ये उसको चैलेंज कर दें। अगर इनकी नजर में वो गलत है उसको चैलेंज कर दें। फिर इनके यूके एम्बेसी के एम्बेसडर साहब और जो मैं समझता हूं वहां के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने रिविजिट किया है, वो खुद गए हैं। हम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। जब ये डॉक्टर्स का बोर्ड कमेंड करेगा कि मियां नवाशी साहब को वापस आना चाहिए तो वो आ जाएंगे। ये हिम्मत करें, ये जुरत करें। उस पर जो जायजा लिया जाएगा इस मेडिकल रिपोर्ट पर उसका इंतजार रहेगा। खालिद महमूद रसूल साहब, ये क्या आपको क्या नजर आ रहा है वजीर, ये जो नवाज शरीफ साहब है उनकी बीमारी को लेकर? कहा जाता है कि परहेजी खाना जो है मरीज ने खाना होता है, एक बड़ा डाइट स्ट्रिक्ट रिजीम होती है जब आपके आपकी इतनी सीरियस कंडीशन हो, आप हार्ट पेशेंट भी है, तो उसके बाद आप इस तरह से मूव अराउंड कर रहे हो। ठीक है, वॉक होनी चाहिए, एक आपका फिजिकल आपकी मूवमेंट भी आपको जरूरी है, बट इस तरह से रेस्टोरेंट्स में जाकर और होटल फूड खाना, स्पेशली जबकि आप इतने क्रिटिकल पेशेंट जो है वो कंसिडर किए जा रहे हो, इसको फिर किस तरह से देखे अवाम या उनकी अपनी पार्टी के लोग या हुकूमत? जिस कंट्रोवर्सी की आप बात कर रही हैं, जो आपने बात की, जो कल से कम अज़ कम उस पर कंट्रोवर्सी जो है ना वो चल रही है, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का उनका कंडक्ट है, मूव अराउंड है, उसने इसको सारी चीज़ को कंट्रोवर्शियल कर दिया। बीमार कोई भी शख्स हो सकता है, उनको बीमारियां हैं, मेडिकल बोर्ड ने भी कन्फर्म किया, उसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है जो बताई गई या जो है। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इतने बड़े मराहल से गुजरने के बाद, इतनी चीज़ के बाद जब बंदा वहाँ पहुँचता है तो टोटल फोकस होना चाहिए कि उसका जो उसकी इन्वेस्टिगेशन हैं और उसके बाद इलाज। अब तक हम उसकी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही सुने जा रहे हैं कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, अभी तक कोई इलाज की नौबत नहीं सुनी। दूसरी बात ये है कि जिस शख्स के बारे में बहुत सारी दुआएं हों कि अच्छा जी अल्लाह उनके जो हामी हैं वो भी दुआ मांगते हैं, जो दूसरे लोग भी वो भी कहते हैं कि जी इंसानी बुनियादों पर किया है। आई एग्री विद यू, मेरी अपनी भी ओपिनियन ये है कि वन शुड नॉट एक्चुअली डिसेंसिटाइज द होल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है या जिस तरह की पिक्चर है, जिस तरह का कुछ मूव अराउंड है, उसमें लग ये रहा है कि प्रॉब्ली दानिश्ता तौर पर उसको डिसेंसिटाइज किया जा रहा है ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता आदि हो जाएँ और वो जो एक सियासी इसके ऊपर एक रंग है वो ज़्यादा नुमाया हो रहा है उनकी बीमारी के ऊपर। इट्स सैड बट नज़र यही आ रहा है, बज़ाहिर ये कंट्रोवर्सी हो गई है और कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, ये हो गया, नहीं होना चाहिए था। और ये जो आज फेडरल कैबिनेट की जानिब से खालिद महमूद रसूल साहब, हम देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा का नाम जो है वो ECL में डालने की मंजूरी दे दी है, तो क्या अब ये समझा जाए कि हुकूमत जो है वो किसी सूरत मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत नहीं देगी? देखिए बात यह है कि जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं उस वक्त आप देखेंगे कि मोर लेस जितने भी अपोजिशन के लोग थे, नवाज लीग के लोग तो खैर अपने थे ही थे, जनरल जो एक लोगों में कंसेंसस था, तो इवन जो PTI के अपने हल्के भी थे उनका भी ये ख्याल था कि जी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन है, कोर्ट के जरिए हो रही है और इसको जाने देना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर लोग तो उस एक ह्यूमैनिटेरियन जो एक सोच थी और उस वक्त जो उनकी सेहत की जो कंडीशन बताई जा रही थी वो उसमें थे, लेकिन बाद में ये पिछले 2-2.5 महीने का सारा सिलसिला है उसने वो जो एक गुडविल थी या उनकी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर या एक जो एक लोगों की एक फीलिंग थी वो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक फ़र्क होकर कंट्रोवर्शियल होगी, जब भी आपने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो मरियम नवाज शरीफ की जो ECL पे जाना, जो आज लिस्ट पे डाला गया या उनके बाहर जाने की कोशिश है, उसको भी बहुत हद तक राइट जावेद लतीफ साहब का नाम भी जी उसमें सियासी अंदाज ठीक। राणा अरशद साहब, ये अब जो आज ECL में डाल दिया गया है नाम मरियम नवाज साहिबा और जावेद लतीफ साहब का, तो फिर इससे यही समझा जाए कि आगे जाकर इस फैसले में कोई रद्दोबदल नहीं होगा और मरियम नवाज को नहीं जाने देना हुकूमत ने? नीलम बीबी, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, अगर तो कोर्ट की डायरेक्शन है, इसी केस में वो वांटेड हैं, खुदा ना खास्ता वो मफरूर होकर भाग रही हैं, तो फिर तो ज़रूर डाला जाए। सिर्फ मैं समझता हूँ बुगत और हसद की आग में जलते जलते इमरान खान साहब इतने आगे जा चुके हैं, कोई बात नहीं। आज भी शाहद खाकान अब्बासी गिरफ्तार है, मुफ्ता इस्माइल को 5 माह रखा, किस केस में रखा बताएं? रब को भी जान देनी या मरना या किसी ने नहीं मरना। और उसके बाद ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सुलेमान, भाई 13 माह हो गए हैं और
आपने राणा सुनाला को छह मार रखा, इस तरह तो दूसरी एक लिस्ट भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। ये कैसी बदमाशी है, ये नूरी भी है, नूरी नाथ और मौला जाट वाला माहौल कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? तो दूसरी एक और लिस्ट का भी माजी है आपकी जमात का जी? जी मैंने कहा आपकी जमात का एक और माजी भी है, आप जिस तरह से नाम यहाँ के गिनवा रहे हैं, तो ये नाम जो लंदन में बैठे हुए हैं हमारे सामने, इसहाक डार साहब भी हैं जो कि जाके वापस नहीं आए हैं, सलमान शहबाज हो गए, शहबाज शरीफ साहब का पता नहीं चल रहा, तो एक एक लिस्ट वहां की भी है सब का पता चल रहा है, जिसकी वजह से शहबाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में आना है, वो अपोजिशन लीडर हैं, और शहबाज साहब कोर्ट में जो एप्लीकेशन थी वो शहबाज साहब ने दी है कि अपने भाई को इलाज के लिए लेके गया, आपकी अदालतों ने परमिशन दी है, और अदालत जब बुलाएगी वो आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन गुजारे ये है कि यहां पर तो आटा 2400 रुपए का मन न्यारी साहब ने कर दिया है, रोटी खाना लोगों पर हराम हो चुकी है, बिजली महंगी कर दी है, गैस महंगी कर दी है, चने की दाल 162 रुपए कर दी है, इमरान न्याजी साहब को मरियम बीबी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसके अलावा कोई और काम नहीं है, सारी अपोजिशन को अंदर कर दे। लेकिन गरीब जाए तो जाए कहां पे, आज क्या हाल है मीडिया हाउसेस का, आज आम आदमी का जीना हराम हो चुका है। एनीवे मूविंग ऑन, ठीक, यहाँ पे गजाला सैफी साहिबा अगर आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हम अपने अगले टॉपिक की जानिब भी बढ़ेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर वी विल कंटिन्यू कि अब एमक्यूएम के बाद जीडीए भी खुलकर साथी नजर आ रही है, क्यों इन खदशात का इजहार किया जा रहा है इन इत्तेहादी जमातों की जानिब से हुकूमत के हवाले से, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि एमक्यूएम के बाद अब जीडीए भी खुलकर सामने आ गई है, और पीर पगाड़ा साहब कहते हैं, उन्होंने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा है कि जो वादे हुकूमत ने हमसे किए थे वो पूरे नहीं हुए, हमें वजारत नहीं चाहिए, हमें तरक्याती काम चाहिए, हमारे लोगों को झूठे मुकदमात का सामना है, और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो है उन्होंने भी जीडीए के रिजर्वेशन दूर करने के लिए मीटिंग भी की पीर पगाड़ा साहब से, उनके मुतालबात के हल की उनको अश्योरेंस भी दी, और उसके बाद मीडिया टॉक की गई इस तमाम मामले को लेकर, लेट्स वॉच दैट फर्स्ट, देन वी विल गेट बैक टू डिस्कशन हियर। आपने जो बातें अभी की वो सिंध के मफाद की बातें, सिंध की तकालीफ का जिक्र, सिंध के वो काम जो वफाकी इदारे के साथ, वफाक के इदारों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर हमारी बातचीत हुई। जी जैसे कि आपने सुना जो इमरान इस्माइल साहब हैं उनके मुताबिक तो जो तमाम उनके मुतालबात हैं उनको हल करवाने की जो है अश्योरेंस वो दी गई है, और वो ये भी कह रहे हैं कि जीडीए की हुकूमत से कोई नाराजगी नहीं है। यहाँ पर अगर खालिद महमूद रसूल साहब आपसे अगर हम शुरुआत कर लें, तो ये क्या वजह होती है कि एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो कहते हैं कि हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे बट हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, और अब आज जब फेडरल कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें जो मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा साहब हैं वो आज एब्सेंट नजर आए, तो ये क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम एलाइज हैं हुकूमती एलाइज वो एक के बाद एक करके जो है शायद डिसअपीयर होते नजर आ रहे हैं, रिजर्वेशंस हैं जो उनकी वो दूर नहीं हो पा रही हुकूमत से? देखिए दो बातें, पहली बात तो जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो डिसग्रंटल ज़रूर हैं, हुकूमत से नाराज़ और खायफ ज़रूर हैं, लेकिन उनको बेहतरी और मुनाफियत जो है वो उनकी हकूमती इत्तेहाद में रहते हुए है, तो लिहाजा वो जो कुछ भी ये प्रेशर गवर्नमेंट पे बढ़ा रहे हैं वो इसके अंदर रहते हुए करेंगे। इस वक्त फौरी तौर पे जो मुल्क का मजमू तौर पे इस वक्त सियासी और जो माशी मंजरनामा है, और जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी जो अददी अक्सरियत और अक्लीत के जो नंबर्स हैं उस एतबार से ये इत्तेहादी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, लेकिन हर इत्तेहादी का अपना अपना ग्रीवेंस है। फॉर एग्जांपल हम एमक्यूएम वाले हैं, एमक्यूएम का गिला ये है कि जी मेयर तो हमारे हैं लेकिन एक तरफ तो पीपी उन्हें घास नहीं डाल रही, पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है, उसके बाद ये है कि जो मरकज़ ने उनसे वादे किए थे वो वादे भी डिलीवर नहीं हो रहे, नतीजा ये कि आवाम से वो मतलब गिले शिकवे सुन रहे हैं कि जी आप वजारतें लेके बैठ गए लेकिन हमारा कराची, हैदराबाद और जिन एरियाज़ में उनके पास जमामेकार है उसकी बेहतरी नहीं हो रही। तो लिहाजा इस वक्त जो है वो एमक्यूएम बुरे तरीके से कॉर्नर हुई हुई है, दे हैव अ फेस ऑफ लॉस ऑफ फेस इन द पब्लिक, उनकी ग्रीवेंस ये है। दूसरे नंबर पे आप आ जाइए, जो एज फार एज
GDA है, GDA का वही मसला है कि सिंध के ऊपर जिस तरह की ग्रिप, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप जो है वो पीपल्स पार्टी ने कायम रखी हुई है, उसमें उन्हें मसाइल का सामना है। अच्छा, रहेगी कि काफ लीग, तो काफ लीग की भी कुछ इसी तरह के ग्रीवेंसेस हैं। बात ये है कि मैं राणा अरशद साहब आपका व्यू भी लूंगी यहाँ पर, ये जो इस वक्त मामला नजर आ रहे हैं। ठीक राणा अरशद साहब, क्विकली हम देखते हैं कि आज वजीर आजम जो है वो अपने कैबिनेट सेशन में कहते हैं कि खालिद मकबूल को वापस कैबिनेट में ले आएंगे और इत्तेहादियों के तमाम मुतालबात पर पेशरफ्त हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस हकूमत और इत्तेहादी अग्रेशन से सबसे ज्यादा जो बेनिफिशरी होगी वो अपोजिशन होगी? मैं समझता हूँ कि खान साहब ने खुद जो कराची में जाकर 162 अरब की बात की उस पर अमल नहीं किया। वहाँ पर ग्रीन लैंड बस का मंसूबा मियां नवाजी साहब ने शुरू किया था, उसको मुकम्मल करना था, उसकी फंडिंग जो थी इस गवर्नमेंट ने रोक ली थी। और फिर मैं अर्ज करूँगा कि जैसे माजरत से मुर्गा अजान देता है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, उसी तरह इमरान खान साहब ऐलान करते हैं लेकिन खुद अमल नहीं करते। तमाम जो इत्तेहादी हैं, मैं बिल्कुल इस बात को अंडोज करता हूँ कि वो साथ रहेंगे लेकिन मजबूरी के तहत, जब उनको आज़ादाना माहौल मिलेगा तो वो जाहिर है कराची एमक्यूएम के कारकुन रुल गए हैं। उसी तरह जीडीए के कारकुन रुल। खालिद महमूद रसूल साहब, गजाला सैफी साहिबा हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, बहुत से सवालात हैं कि क्या हुकूमत, ये जो हालिया उनके हुकूमत के जो अपनी इत्तेहादी पार्टियां हैं उनका जो क्राइसिस है, इससे निकलने में कामयाब हो पाएगी? और फिर क्या इत्तेहादी जमातों की नाराजगियां जो है वाकई किसी तब्दीली का पेश खेमा समझा जाए? और क्या हुकूमत को भी इस बात का अब इदराक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एमक्यूएम को मनाने के बावजूद भी वो कैबिनेट में वापस आती हुई अब तक नजर नहीं आई? और क्या ऑपोजिशन इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए कोई बड़ा कदम भी उठा सकती है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। सी ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन, अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।